वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे। आप आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देखिए मैंने डेफिनेशन बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल हो। तो ऑप्शन क्या आएगा, m इक्वल टू n, दिस इज द राइट आंसर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो सिंपल आंसर, आपके पास वो मैट्रिक्स दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, आपको मैट्रिक्स का नाम भी दे रखा होगा, a इक्वल टू ए आई जे, a इक्वल टू ए आई जे और m क्रॉस n है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ n इक्वल टू n। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन आप देखोगे तो क्या बोल रहा है, आपको दो मैट्रिक्स बराबर करने के लिए बोल रहा है। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल, 3x + 7 5 3x + 7 5 y plus 1 y plus 1 2 minus 3x। यह आपके पास एक मैट्रिक्स है, एक दूसरा मैट्रिक्स और है जिसकी वैल्यू है 0 y minus 2 8 4। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये इसके इक्वल होगा, 3x plus 7 equal to 0, that means यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा minus का 7 by 3। अब ये इसके इक्वल भी होगा, कहने का मतलब 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं 3x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्यों आएगा। देखिए एक ही क्वेश्चन में दो x की वैल्यू आ रही है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता। सेम देखो यहाँ पे अलग सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे अलग वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यू आती तो काम बन जाता। ऐसे y की बात करें अपन तो y प्लस 1 इक्वल टू 8, y तो y के भी कितनी आएगी 7 आएगी, और इसको इसके इक्वल करेंगे अच्छा ये माइनस का शुरू हुआ तो x की वैल्यू माइनस का 2 बाई 3 आएगी, यहाँ से x इक्वल टू माइनस का 2 बाई 3, तो डिफरेंट आ जाएगी फिर भी। अब यहाँ पे इसको आपने इसके इक्वल किया तो y की वैल्यू 7 आ गई, और इसको इसके इक्वल करो तो y माइनस 2 इक्वल टू 5, y की वैल्यू 7। देखिए y की वैल्यू तो 7 चल रही है लेकिन x की वैल्यू अलग अलग आ रही है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है। अगर अपन इसकी बात करें तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्या बोलेंगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ऑप्शन कौन सा होगा, बी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात को समझ रहे हो, एक बार यस और नो में कमेंट करो कि बात समझ में आती है। मैथमेटिक्स की डेली लाइव क्लास लेने से, डेली का काम डेली करने से जो बातें बोल रहा हूँ उसको सुनोगे, उसको लिखोगे तो टेस्ट भी दोगे, मार्क्स भी आएंगे और कॉन्फिडेंस भी आएगा, अपने आप को अच्छे तरीके से बना भी लोगे। नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस होती रहेगी, चैप्टर कराता रहूंगा, टेस्ट देता रहूंगा, सिलेबस पूरा करवा दूंगा ऑनलाइन एक बार। कोई चीज छोड़ मानिए फिर आप बोलोगे सर हमने पढ़ा नहीं, हमें क्लास नहीं हुई है, तो इससे आपको नुकसान है, तो हमेशा ध्यान रखिए इस चीज का। क्वेश्चन नंबर 10 है, एंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 व्हिच ईच विद ईच एंट्री 0 और 1। देखिए स्टूडेंट्स ये लॉजिकली क्वेश्चन है, ये आपको समझना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन मान लो
डिफेंस एग्जाम में या आईआईटी जेई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए और मान लो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पैटर्न आता है, अभी तो पैटर्न नहीं आया कि एग्जाम में से किस तरीके का क्वेश्चन आएंगे अभी कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है उसमें 3x3 का आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, इंक्रीज होनी चाहिए 0 या 1। देखिए आपसे मैं एक कोई भी प्रॉब्लम में टेस्ट करता हूँ ना, तो आपको पता है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। एक कोई को दो बार टेस्ट करता हूँ तो चार टेस्ट आएंगे, हेड है, हेड टेल, टेल है एंड टेल है। ऐसे एक कोई को तीन बार टेस्ट करता हूँ तो छह टेस्ट नहीं करेंगे, टेस्ट करेंगे हाँ हेड हेड हेड। आपने छोटी क्लास में पढ़ा था किस हिसाब से आठ केस बनेंगे, ठीक है। एक कॉइन को चार बार टॉस करेंगे तो 16 केस बनेंगे, देखिए 2 की पावर 4 = 16। अगर पांच बार टॉस करेंगे 2 की पावर 5 = 32। ऐसे 6 बार टॉस करेंगे तो 2 की पावर 6। हमेशा ध्यान रखना है वहां पर नंबर ऑफ टॉस कर रहा है तो पावर में आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन उसी तरीके का है, आपके एलिमेंट्स कितने हैं, 9 है। देखिए मैं सिंपल समझा रहा हूँ कि आपके पास एंट्री है 3x3 का मैट्रिक्स, 3x3 का, जिसके माने एलिमेंट ये किया है, ये किया 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे, अगर मैं मान लो इन दोनों की बात करता हूँ या मैं इस पोजीशन की बात करता हूँ, या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। अब अपने को एक जगह इंक्रीमेंट करनी है, अपने को हर जगह करनी है, मैं एक एक चीज लेके चल रहा हूँ। अगर मान लो मैं दो के लेके चल रहा तो क्या होता, 0 0 0 1 1 0 1 1 चार इंक्रीज होती है। लेकिन आपके पास दो नहीं 9 है ऐसे, तो मैं पहले 2 4 पता था उसके बाद 9 की बात नहीं करूँगा। अगर मान लो 3 इंक्रीज की बात करो, आपको पता है या तो 0 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हो। 3 का क्या होगा, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 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
बट सो आप यहाँ पे तीन पोजिशन में बांट हुई है ठीक है, क्योंकि वहां पे भी हैड या टैग यहाँ पे जीरो या वन, बाइनरी कोडिंग जीरो या वन में होती है। आप देखिए अगर मान लो चार डेटा तो जीरो 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 वन जीरो जीरो वन जीरो ऐसे आते कितने केस बनते, 16 बनते, कितने बनते 16। यहाँ पे चार केसेस हैं मान लो एक दो तीन चार केसेस ऐसे, तो यहाँ पे कुछ भी मतलब ये डिजाइन कर रखे हो तो नौ एलिमेंट्स कैसे बन रहे हैं। हाँ अब देखिए अगर मान लो ऐसे आपके पास पांच होते तो आपको पता है क्या करते आप, 00001 ऐसे 2 to the power 5 होता, 32 केस बनते, कितने केस बनते 32 केस बनते। ऐसे 6 7 8 9 यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है, दैट मींस यहां पे नंबर ऑफ मैट्रिक्स बन सकते हैं 2 to the power 9 is 5 by 2, यानी कि इतने मैट्रिक्स पॉसिबल है कि पैरा मैट्रिक्स का अगर एलिमेंट्स की बात करें तो ऐसे आ सकता है 000000000, एक मैट्रिक्स ऐसी बन सकती है। अब कोई बोलेगा अगले मैट्रिक्स ऐसे बना दो सर, कैसे अगले मैट्रिक्स 000000001 बन सकती है, फिर बोलेगा सर इस वन को आप यहाँ ले आओ, फिर बोलेगा सर इस वन को आप यहाँ ले आओ, तो ऐसे बहुत सारे केस बनेंगे और आप बनाते रहोगे तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि 2-4-5 7 दिन लगे रहेंगे बनाते बनाते। तो लॉजिकली बात करें कि 9 एलिमेंट्स है और 1 और 0 आपको एंट्री करनी है तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने बन सकते हैं 2 to the power 9, दैट मींस 5 by 2। एक बार यस और नो में कमेंट करो कि ये पूरी बात समझ में आ गई क्या आपको। हाँ ठीक है, तो नंबर ऑफ अगर बात करें अपन मैट्रिसेस कितना आएगा 2 to the power 9 और एलिमेंट्स कितने थे, एलिमेंट्स आपके पास थे 3 into 3 = 9 ठीक है, 3 into 3 = 9, तो यहाँ से 2 to the power 9 = 5 by 2 इज द राइट आंसर। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है ना, आप लोग एग्जाम्पल्स इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं
आप लोग करेंगे वो एग्जांपल्स, बिल्कुल सिंपल है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन 3.2 एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एग्जाम्पल चार पांच कर सकते हैं आप लोग, बहुत सिंपल है। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज पॉसिबल इफ ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। मतलब दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मैं जैसे मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स है 0, 3, 4, 5, दूसरा मैट्रिक्स है बी, उसका ऑर्डर भी क्या है 0, 9, 3, 1, 2, 4, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। पहला मैट्रिक्स है आपका ए, दूसरा मैट्रिक्स आपका बी, इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका मतलब एडिशन पॉसिबल है। तो अपन क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे। ए प्लस बी का मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे 0, 3, 4, 5 प्लस ऐड भी आपने 3, 1, 2, 4। 0, 3 के साथ ऑर्डर ऑर्डर कितना आएगा, 3 आएगा, 3, 1 के साथ 4 आएगा, 4, 2 के साथ 6 आएगा, 5, 4 के साथ 9 आएगा। मतलब जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी क्या आएगा, वो सही आएगा। इसका 2x2 था, इसका 2x2, फिर नया मैट्रिक्स आया उसका भी 2x2। ये होता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स का ऐड होगा 3 को ऐड करो, ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ऐसे ही अपन बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। मान लीजिए आपने एक मैट्रिक्स ले लिया, एग्जांपल ले लेते हैं अपन सिंपल, सेम होगा ऑर्डर, सेम होगा 3, 2, 0, 6, और दूसरा मैट्रिक्स ले लिया मैंने 1, 2, 2, 4, ये ले लिया। आपको ए माइनस बी करना है, तो ए में से क्या करेंगे, बी को माइनस कर देंगे, 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, 2 में से 2 गया तो 0 आएगा, 0 में से 2 गया तो -2 आएगा, 6 में से 4 गया तो 2 आएगा, ठीक है। या ऐसे लिख लेते हैं, ए की वैल्यू लिख लेते 3, 2, 0, 6, बी की वैल्यू लिख लेते 1, 2, 2, 4, माइनस करेंगे तो 2, 0, -2, 2, ठीक है। ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। अगर मान लो आप बी माइनस ए करते तो बी माइनस ए भी हो जाता, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू पहले लिखते ए की वैल्यू बाद में लिखेंगे, ठीक है।
b कितना हो जाएगा यहां से, b कितना है 1 2 2 4, a कितना हो गया 3 2 0 6, माइनस करेंगे 1 में से 3 किया तो माइनस का 2, 2 में से 2 0, 2 और ये माइनस, ये आंसर आ गया। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, अब इसकी प्रॉपर्टीज है एडिशन की, वो सिंपल है। एडिशन की प्रॉपर्टीज सिंपल है, एडिशन ऑफ नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, पहला कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सबको पता है ये चीज क्या होती है। अगर मान लीजिए अपन आपके पास a प्लस बी है तो आप b प्लस ए भी लिख सकते हैं, सिंपल है, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। दूसरा होता है प्रॉपर्टी, ये भी सिंपल है, वैसे ही प्रॉपर्टीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। d प्लस सी कर दिया और यहाँ पे a प्लस बी और प्लस फिर सी कर दिया, ये a है ये b प्लस सी है। अब आप इन दोनों को ऐड करके सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अगली है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, ये क्या है वो बात करते हैं। अगर मैं बोलूं मैट्रिक्स है ए और इसमें मैंने जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दिया, ए मैट्रिक्स में मैंने जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दिया तो सिंपल यहाँ पे ए आएगा, ए मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड करने सिंपल ए आया, और जीरो मैट्रिक्स में मैंने ए ऐड कर दिया तो भी जीरो ए आएगा, मतलब क्या ऐड करो कि वापस ए आ जाए, वो होता है एडिटिव आइडेंटिटी। बिल्कुल सिंपल है, किसी मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स ऐड होगी वापस हो जाए तो जीरो मैट्रिक्स। या आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, तो क्या ऐड करोगे वो वापस आ जाए। और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स, वो क्या प्रॉपर्टी है, इनवर्स से नाम से आ रहा है कि ए में अगर मैं माइनस ए ऐड कर दूं तो जीरो मैट्रिक्स आएगा, सिंपल याद रखना आपको। अगर मैं ऐसा कर दूं माइनस ए में ए ऐड कर दूं तो भी जीरो आएगा, तो ये आपका क्या हो गया एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। चार प्रॉपर्टीज है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है फिर मल्टीप्लीकेशन बचेगा। थोड़ा मल्टीप्लीकेशन धीरे शुरू में थोड़ा सा धीरे समझ में आएगा, लेकिन उसके बाद समझ में आ जाएगा कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। बी माइनस ए है, बी की वैल्यू होगी 1 2 2 4, ए की वैल्यू 3 2 0 6, 1 में से 3 गया तो माइनस का 2 आएगा, 2 में से 2 गया तो 0 आएगा, 2 में से 0 गया तो 2 आएगा, 4 में से 6 गया तो माइनस 2 आएगा। बी में से 1 तो क्या है,
में से बी को कुछ ले में से बी कर देंगे, बी में से कुछ तो वो कर देंगे। अब देखिए एक अगला पॉइंट है छोटा सा है, और वो जब अपन डिटरमिनेंट पढ़ेंगे वो तब ज्यादा काम में आएगा। वो क्या है? एक सेकेंड, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, बाय ए स्केलर। देखिए बाय ए स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर, बाई ए स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं, स्केलर वैल्यू जो भी है ना, बाई स्केलर। देखो हाँ एग्जाम्पल की बात करता हूँ, डायरेक्ट बस आपके पास ए मैट्रिक्स है, क्या मान लीजिए 2, 3, 4, 5, और अगर मान लीजिए आपने इसको k से मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान रखिए k क्या है, k कोई कांस्टेंट है। मैट्रिक्स का जो नेम होता है वो कैपिटल लेटर्स में होता है, लेकिन जो मैंने k लिखा है वो स्मॉल में, यहाँ पे स्मॉल k, ठीक है। k क्या है यहाँ पे, एक क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर। तो ये k है ना सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k 3k 4k 5k। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जब अपन डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तब सबसे मल्टीप्लाई नहीं होता है किसी पर्टिकुलर रो या फिर पर्टिकुलर कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, किसमें पढ़ेंगे वो अपन डिटरमिनेंट में। एग्जाम्पल एक और लेते हैं ताकि समझ में और आ जाएगा। आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए 0, 2, -1 और +3, ये है। आपने मान लीजिए इसको 3a मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हर एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा 0, 6, -3, 9। हर एलिमेंट ये स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी। मैंने स्केलर बोला है, किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट्स उस क्वांटिटी से क्या होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब बात आती है आप 3.2 एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, समझने आने के बाद वो भी बहुत ईजी है। फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे। डन, ओके। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अपन टू मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दो को मल्टीप्लाई करो 3 भी हो जाएगी, वो तो 2 होने के बाद 30 भी हो जाएगी। हाँ देखिए, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल होता है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सेंटेंस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज पॉसिबल ए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज ए बी, ए बी ए और बी यहां से बोल सकते हैं, हाँ ए एंड बी इज पॉसिबल व्हेन व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन
मैट्रिक्स ए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज पॉसिबल व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ आपके पास ए मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लीजिए m इनटू m क्रॉस n है दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास b उसका ऑर्डर है मान लीजिए आपके पास n क्रॉस p क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा बिल्कुल होगा देखिए ये रो होती है ये कॉलम होते हैं तो इसके जो कॉलम है वो इसके रो के इक्वल होनी चाहिए चेक कर लीजिएगा द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स से पहले वाले में कॉलम और दूसरे वाले में क्या रोज इक्वल होनी चाहिए जो नया मैट्रिक्स आएगा वो आपका क्या आ जाएगा ए और बी का प्रोडक्ट आएगा कोई है अब जो प्रोडक्ट आएगा उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा जो बच गए हैं यहाँ तो एम बच गया है और यहाँ क्या बच गया है पी बच गया है तो ऑर्डर होगा उसका एम क्रॉस पी का पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले में नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा पॉसिबल होगा एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे मान लीजिए पहले वाले का मान लीजिए आपके पास 2x3 आ गया है एक बार देखेंगे सामने 2x3 आ गया है और दूसरे वाले का क्या आ गया है मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन सिंपल मान लीजिए आपका ए मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का 2x3 आ गया है और दूसरा मैट्रिक्स आपका बी उसका ऑर्डर है मान लीजिए 3x4 आ गया ठीक है तो इसमें कॉलम इसमें रोज इक्वल है नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2 रो और 4 कॉलम ये तो ऑर्डर पता चली है और उसकी डेफिनेशन पता चली है कि पॉसिबल होगा एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा मल्टीप्लिकेशन क्या इतनी सी बात समझ में आ गई क्या मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब पहले वाले के रो कॉलम और दूसरे वाले के रोज इक्वल होगी यस और नो में कमेंट कीजिएगा एक बार हाँ अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं वो देखिएगा चीज तो वो आती है कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बात तो ये आती है कि मल्टीप्लाई करेंगे कैसे अब आ रहा जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए वो है आपका ए आई जे और उसका ऑर्डर है 2x2 का बी मैट्रिक्स है वो क्या है बी आई जे और उसका क्या है मान लीजिए 2x2 का है ठीक है आपको ए बी फाइंड करना है आपको पता तो चल गया कि ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्यों क्योंकि इस ए का ए में देखो आप नंबर ऑफ कॉलम्स और इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल है जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2x2 का अब देखिए हमें यहाँ पे पार्ट टू में ए बी फाइंड करूंगा तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी ए की वैल्यू आपको पता है 2x2 का बना रहा है a11 a12 a21 a22 क्या सही है और ऐसे ही बी का बनाएंगे b11 b12 b21 b22 क्या इतनी सी बात समझ में आ गई क्या ये तो सिंपल बातें हैं कि यहाँ पे तो मैट्रिक्स मान लीजिए को दे दिया ये वैल्यू देगा आपको ये वाली वैल्यू देगा ये वाली वैल्यू देगा मैं तो सिंपल नोटेशन लेके चल रहा हूँ
आपको ये भी पता चल गया कि ये कौन से ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का है, और ये कौन से ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का है। जो नया मैट्रिक्स आएगा वो भी 2 क्रॉस 2 का ही होगा। इसका हुआ ये 2 और ये 2 सेम है, तो नया मैट्रिक्स आएगा वो भी किसका होगा, 2 क्रॉस 2 का है। अब देखिए यहां पे अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो बात आती है सामने। देखेंगे मल्टीप्लाई करने का तरीका, आपको ये तो पता चल गया कि दो तो रो आएगी और दो ही कॉलम आएंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैं यहां पे एरो बना देता हूं। क्या बना देता हूं, एरो, यहां से समझ लो। और मैं यहां पे भी क्या बना देता हूं, ऐसे एरो बना देता हूं। एक दो एग्जांपल में एरो बनाऊंगा, उसके बाद एरो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब अपन क्या करेंगे, इसका कॉलम है और इसकी रो से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बोला मैं, इसका कॉलम उठाएंगे, इसकी रो उठाएंगे, ये एक कॉलम उठाएंगे, एक कॉलम से नए मैट्रिक्स का कॉलम बनेगा। क्या बोला मैंने, एक कॉलम से नए मैट्रिक्स का क्या बनेगा, कॉलम बनेगा। इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको उठा के इससे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, क्या लिखेंगे, ए वन वन बी वन वन प्लस, अब इसका इसके साथ, ए वन टू बी टू वन। कहने का मतलब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसी कॉलम को अभी लेके चलेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो करिए बात, इसको इससे लेंगे तो क्या आएगा, ए टू वन बी वन वन, ए टू टू बी टू वन। हमेशा ध्यान रखना है, आप एक कॉलम लेके चल रहे हो तो उससे जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका एक कॉलम आ गया है। अब इस कॉलम को उठा के इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, तो कैसे लिखूंगा बताइएगा, ए वन वन बी वन टू, ए वन टू बी टू टू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए टू वन b वन टू, अब इसका इसके साथ a टू टू b टू टू, थोड़े मोटे मोटे लिखना पड़ेगा तो दिख नहीं रहा होगा, a टू वन b वन टू, a टू टू b टू टू। तो चार एलिमेंट्स आ गए हैं, एक दो तीन चार, क्या इतनी बात समझ में आ गई। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लें इसका, और यस और नो में कमेंट भी कर दें कि ये बात समझ में आ रही है क्या। एक बार वापस बता दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जांपल्स बहुत ज्यादा कराऊंगा, इस क्वेश्चन को मत देखो, और ज्यादा एग्जांपल कराऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट लो, एक एग्जांपल और करवा देता हूं। जल्दी लो स्क्रीनशॉट, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं, दो ही मिनट बची है। एग्जाम्पल लिया मैंने, मान लीजिए ए की वैल्यू है 1 2 3 4 और बी की वैल्यू है मान लीजिए 5 6 7 8, 2 क्रॉस 2 का है, 2 क्रॉस 2 का है, ए भी पॉसिबल होगा, वो कितने ऑर्डर का है, ये 2 का, ये भी 2 का, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का, इसमें कॉलम इसमें रो क्या है, इक्वल है। ए भी आएगा तो कैसे करेंगे, देखिएगा नया मैट्रिक्स आएगा ये वाला, अब इसका कॉलम उठाएंगे, इसकी रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका कॉलम उठाओगे वाला उठाओ, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, 1 × 5 1 × 5 2 × 7, इस कॉलम को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्या आएगा, 3 × 5 4 × 7, फिर क्या आएगा, इस कॉलम का काम हो गया, इस कॉलम से इसको इसको कर दो तो कितना आएगा, 1 × 6 2 × 8, अब इससे 3 × 6 और 4 × 8, कल एग्जाम्पल और करवा दूंगा मैं, ठीक है, इसको सोल्व कर लो आप, इसको सोल्व करके लिख देना वहां पे जो भी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू वो लिख देना, स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम आउट हो गया है।
19 आ गया है, 22 आ गया है, 43 आ गया है, ये 50 आ गया है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।